आपने अरविंद जी को गिरफ्तार कर लिया, रात को आप उनको ले गए, परिवार अब घर पे है। जो एक न्यूनतम मानवीयता है वो ये है कि परिवार के जो रिश्तेदार हैं, जो पार्टी के लोग हैं, जो सरकार में मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्री थे, वो अरविंद जी की पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से कम ये तो कहेंगे कि माताजी पिताजी हम आपके साथ हैं, आपके साथ हम लोग खड़े हैं। केंद्र सरकार ने इतनी नैतिकता गिरा दी, कल से अरविंद जी के परिवार को किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा। क्यों? ताकि ये मेंटल टॉर्चर, मेंटल हैरेसमेंट, ट्रॉमा उनको रहे कि देखिए हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया तो आज दुनिया में कोई हमारे पास मिलने भी नहीं आ रहा। ये एक साइकोलॉजिकल गेम केंद्र सरकार एक चुने हुए मुख्यमंत्री के 85 साल के बूढ़े माँ बाप के साथ खेल रही है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली हरकत तो अंग्रेज़ों ने भी कभी नहीं की होगी। भगत सिंह भी गिरफ्तार हुए होंगे तो उनके माँ बाप जो है लोगों से मिल सके होंगे। दूसरी बात, बार बार कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। जो सरकार गैर कानूनी तरीके से बिना सबूतों के उनको गिरफ्तार कर सकती है, वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की जान को खतरा है। ये बात हम मीडिया में इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग इसके लिए आवाज़ उठा सकें, क्योंकि हमारी बात तो अब केंद्र और एजेंसियों ने सुननी बंद की हुई है।